हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के, इसी की श्रृंखला में हम लोग 2017 का पेपर यहाँ पे आज से डिस्कशन करते हैं। 2018 भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, बट मैंने 2017 के लिए ये प्लान किया और बाकी ईयर्स के लिए भी ये प्लान किया है कि यूपीएससी की जो ऑफिशियल की होगी वो ही इंक्लूड की जाएगी हम लोग डिस्कशन जब करेंगे तो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। उन क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट के आंसर कुछ और रहते हैं और ऑफिशियल की कुछ और रहती है। इस केस में क्या होता है, अगर आपको ऑफिशियल की पता है और आपको आंसर पता है, अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप सही टिक करके आएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी का पर्सपेक्टिव पता चलता है आपको, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऑफिशियल की से रिफ़र करें। अगर अवेलेबल नहीं है, जैसे 2019 का की नहीं आया, रिजल्ट के बाद आ जाएगा, तो रिजल्ट के बाद हम लोग 2019 का डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इन वीडियोस के बारे में बता दूं, इन वीडियोस में हम लोग गेसिंग कैसे करना है ये देखेंगे। 2017 का जो पेपर है ये बहुत ही क्रूशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक्चुअली पेपर एक ट्रेंड चेंजर था, ठीक है। ट्रेंड चेंजर का मतलब 2016 तक अगर कोई एस्पिरेंट करंट अफेयर्स पढ़ के जाता है, पीटी 365 सपोज वो रट के जाता है, स्टैटिक पोर्शन वो रट लेता है, ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि होते थे कि वो क्लियर कर जाएगा प्रीलिम्स। पर 2017 में ऐसा पेपर देखा गया जबकि बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे देखे गए, ठीक है। इनको डील करने का तरीका कुछ अलग होता है, इनमें गेसिंग भी काम करती है, इनमें आपका जो नॉलेज बेस है वो बहुत यूज़ में आता है। तो इनमें एक जो ट्रिक होती है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में मैटर करते हैं, भले आपको ट्रिक भी पता हो पर आप वहाँ पे नर्वस हो गए हो, आपको बहुत एंग्शियसनेस हो रही है, तो आप वहाँ पे सही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपनी पर्सनैलिटी पर भी काम करना है, बाकी ये तो हो ही रहा है। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है, अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। अगर मैं जनरली बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। प्राइवेट मेंबर बिल मतलब क्या, जो मिनिस्टर नहीं है, ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, वो प्राइवेट, वो जो बिल प्रेजेंट करेगा वो प्राइवेट मेंबर बिल होगा, ये हमें पता है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट हो जाता है रॉन्ग, तो फर्स्ट वाले दोनों चले गए, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन बकाया है, आपको ये दोनों में से एक चूज करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिसेंटली प्राइवेट मेंबर का पहला, ऐसा हिस्ट्री में पहला टाइम ऐसा हुआ है कि ये पास हुआ है। तो एक तो ये फैक्ट है नहीं, ठीक है, 1950 के बाद से, जब से कॉन्स्टिट्यूशन आपका अपना एस्टाब्लिश हुआ है, इलेक्शन हुआ है 52 के, तो अगर आपने पढ़ा होगा कि 1950 के बाद से करीबन 14 ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि पास हुए थे, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है। अगर आप इस कॉमन सेंस से भी जाते हैं तो आपका आंसर हो जाता है डी, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन कल्चरल विथ रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन एंड इंडस वैली पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं ये तीनों स्टेटमेंट और लॉजिक से ट्राई करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर वेयर एज पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। सेकेंड, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर एज देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। देखिए ये बहुत ही ट्रिकी सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट वन और थ्री है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हेलमेट और कोट ऑफ मेल
ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनके कोई एविडेंस नहीं थे, विच इज़ ट्रू. दिस रिक्वायर्स, नाउ दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स योर नॉलेज. आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, तब आपको ये वाला स्टेटमेंट पता होगा कि ये राइट है. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी सेम है, हॉर्स की कोई एविडेंस वहाँ पे नहीं मिली थी, विच इज़ ट्रू. यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि उन्होंने डोमेस्टिकेट नहीं किया था इंडस वैली पीपल ने. यहाँ पे बोला गया है कि देर इज़ नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीइंग अवेयर ऑफ दिस एनिमल, तो विच इज़ ऑल्सो ट्रू. वन और थ्री ट्रू है. अगर वन और थ्री राइट है तो ए और बी तो कट गया. ठीक है, अब हम लोग बचे हैं सी और डी में. यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं. यहाँ पे बोला जा रहा है ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर, वेरस इंडस वैली बस कॉपर और आयरन को जानते थे. अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें तो जो सारे स्कल्पचर्स वगैरह इंडस वैली से मिले थे, जिनमें बियर्डेड मैन थे, टॉर्सो था एक, डांसिंग गर्ल थी, इन्होंने कुछ ज्वेलरीज भी पहन के रखे थे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ये सिर्फ कॉपर और आयरन जानते थे और कोई मेटल या बाकी सारे मटेरियल इनको पता नहीं थे. ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है. तो ट्रू अगर हम लोग रॉन्ग पकड़ें तो आंसर हो जाता है सी, विच इज़ ट्रू, विच इज़ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज विथ रेफरेंस टू. ये देखिए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको 20 से 30 यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इनमें तो पक्के से रहिए. आपकी जो बेसिक रीडिंग है इससे आपको 20-30 क्वेश्चन ये ब्राउनी क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, इन क्वेश्चंस को कंफर्म करने के लिए पढ़ाई की जाती है, इनमें गलती नहीं करनी है. करंट अफेयर का ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर है इसका आंसर है ए. दिस एक्चुअली रिफर्स टू सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स. जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनमें डिस्कशन नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. इसमें मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप स्कीम्स वगैरह अच्छे से कर लें. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए जो भी क्वेश्चन सामने आ रहा है आपको ध्यान रखना है कि कौन से एरियाज से पूछा जा रहा है. आप पढ़ते वक्त वाली चीज़ ध्यान में रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है. यहाँ पे आपको रिलेटिव जो पोजीशन है डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन की, ये आपको पता होनी चाहिए. तो आप रेगुलरली जब आप मैप खोलते हैं, ठीक है, कोई भी आप लोकेशन लोकेट करते हैं मैप में, तो आप रिलेटिव पोजीशन देखें. कभी भी आपको वो एक पर्टिकुलर चीज़ उसी जगह पे याद नहीं रहेगी, वो रिलेटिव किसी जगह से हैं. कि सपोज़ एक कंट्री है, पर वो कंट्री किस सी के बाजू में है, इस तरह हम लोग याद करेंगे तो वाली चीज़ ज़्यादा याद होती है. ऑप्शंस देखें यहाँ पे. सबसे पहले सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सेकंड इज नल्लामल्ला फॉरेस्ट, थर्ड नगरहोल नेशनल पार्क, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व. देखिए आंसर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. अब ये आंसर कैसे है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए सभी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क मेजर, इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं. ये आप यहाँ पे मैप में देखें. सबसे पहले ये जो मैप है ये नेशनल पार्क का मैप है. देखिए अभी हम लोग लोकेशन देखने वाले हैं. सबसे पहले यहाँ पे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व देखते हैं. ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. ठीक है, अगर आप इसके बारे में जानते हो तो इसे कहा जाता है गेटवे टू ईस्टर्न घाट्स आल्सो. ये ईस्टर्न घाट्स. बाकी लोकेशंस देखें तो नगरहोल नेशनल पार्क यहाँ देखें. ये देखें नगरहोल नेशनल पार्क. तो इस हिसाब से जो सत्यमंगलम है वो इस तरफ कहीं है. ठीक है, और ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में ये जो है ये बहुत अच्छा लिंक कहा जा सकता है, क्योंकि इसे गेटवे टू ईस्टर्न घाट्स भी कहते हैं. तो यहाँ पे नगरहोल नेशनल पार्क ही कैंसिल आउट होता है. जो नल्लामल्ला फॉरेस्ट है और जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है ये तो ऑलरेडी कैंसिल आउट होते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की तरफ आते हैं. तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में लिंक नहीं है. हम लोगों को एक्चुअली सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और
नगरहोल नेशनल पार्क, इनमें ही चूज करना था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है? इक्वालिटी मतलब किसी भी एक सेक्शन या एक इंडिविजुअल को कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल और अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी प्रिविलेजेस ना हो, यही होती है इक्वालिटी। तो सिंपल सादा कंसेप्चुअल आपका पॉलिटी का कंसेप्ट चेक करता हुआ क्वेश्चन, आंसर है इसका प्रिविलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैफिक। अगेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्चुअल है थोड़ा। जो ट्रैफिक होता है, स्टेटमेंट वन बोल रहा है इट इज़ अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP के अंतर्गत आता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, सेकेंड वाला आप देखें, आप तो देख के समझ जाएं कि जो बड़ा अच्छा सा कोई स्टेटमेंट होता है जनरल होता है, जिसके कॉन्ट्राडिक्शन उतने नहीं होते, तो वो राइट होगा। करेक्ट पूछा है तो टू राइट है, तो या तो बोथ आंसर होगा या टू ओनली आंसर होगा, ये दोनों तो कटते हैं, ठीक है। अब जहाँ फैक्चुअल स्टेटमेंट की बात आती है, आप तो तभी आप डाउट करेंगे स्टेटमेंट पे। जनरल स्टेटमेंट में कोई अपसर्ड सा स्टेटमेंट होता है तब भी आप डाउट करेंगे, पर ये अपसर्ड नहीं लग रहा। ट्रैफिक हमें अगर यहाँ पे बोला गया है ट्रेड रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ऑब्वियसली जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हम लोग कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो कंजर्व करने की बात की जा रही होगी, तो सेकेंड राइट होता है। सेकेंड राइट होता है तो बी और सी में से आंसर है। बी और सी में से आंसर है तो वन के बारे में पता होना चाहिए, ये है यहाँ पे आपका आ जाता है नॉलेज। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रैफिक है ये UNEP के अंतर्गत नहीं है, ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आंसर हो जाता है बी। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज एडेड टू DPSP बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वही आपको लक्ष्मीकांत के DPSP चैप्टर का रट्टा लगाना है, इसका आंसर है बी, द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, राइट्स आर privileges ऑफ अ फ्यू citizens अगेंस्ट द मैनी। देखिए ये बड़ा अपसेट सा फोर्थ लग रहा है, आप वहीं पे कट करें, ठीक है। ये क्या बात हुई, मतलब privileges नहीं होते हैं, राइट इज लाइक फंडामेंटल राइट, सबके लिए वो वैलिड होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट आपको मिल रहे हैं ऐसी बात नहीं होती है, तो डी यहाँ पे कैंसल आउट होता है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द citizens, नो, राइट्स आर गिवन टू citizens ताकि वो स्टेट की जो जो डिस्क्रिशनरी या उनकी जो इलीगल एक्शंस होते हैं उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन हो citizens के लिए, तो फर्स्ट भी कैंसल आउट होता है। अब हम बचे हैं दो ऑप्शंस के बीच, बी और सी। राइट्स आर privileges विच आर incorporated इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। एक तो सबसे पहले privileges नहीं है ये, तो ये यहीं पर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जाए, तो ये जनरल स्टेटमेंट है पर ये रॉन्ग होता है, आंसर है इसका सी। नाइन्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आंसर है इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, सारे रिपोर्ट्स और इंडेक्स किस कौन जारी करता है, किस थीम में जारी करता है, ये आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको मिल रहा है ये चीज़ कि कौन सी रिपोर्ट आ रही है, तो आप वो देखते जाएं, आँखों के सामने से कई बार वो जाना चाहिए तभी वो याद रहती है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017। ये उस वक्त बहुत न्यूज़ में था 2017 में। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री इन टू स्मार्ट सिटीज इन अ डिकेड। ये देखिए बड़ी सारे जहाँ पर फैक्ट्स आने लगे ना, आप वहाँ पर डाउट करने लगे कि अच्छा ये एक्चुअली ट्रू होगा या नहीं, फिर आप अपने नॉलेज को वहाँ पर प्रैक्टिस करें कि आपके नॉलेज में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है।
सेकेंड स्टेटमेंट देखें, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस फॉर सॉल्विंग द मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री। ये भी बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन आवर कंट्री कम्प्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड। ऐसा कहीं टारगेट कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर आप ये थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आपको ऐसे लगे कि रॉन्ग है, आप यहाँ पे रॉन्ग टिक करें, 333 यहाँ से निकालें, आंसर पहुँच जाता है बी, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 27 आपने ये इसके बारे में कुछ जाना ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, वहाँ पे डरना नहीं है, वहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। हमने कभी अपने पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस रखें, आपने कभी ये पढ़ा है डिजिटल कम्प्लीटली डिजिटल एक डिकेड में करना है, ऐसा कहीं तो नहीं है ना टारगेट हमारा। तो आप अपना कॉमन सेंस वहाँ पे लगाएं। और देखिए, यूपीएससी भी आपको चाहता नहीं है कि आपको ये पता हो, वो एक्चुअली चाहता है कि आपको ये वाला स्टेटमेंट पता है क्या, क्योंकि देखिए ना, अगर आपको ये पता है कि रॉन्ग है तो आप आंसर तो पहुँच जाते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। कई सारे बच्चे एक्चुअली काफ़ी सारा कुछ लर्न कर पा रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए इन वीडियोस के तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक भी करें। लाइक करने से क्या होता है, कुछ एल्गोरिदम इसका ऐसा है यूट्यूब का कि लाइक करने पे फिर ये दूसरों को रिकमेंड भी होते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच।